हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप मैं आसार उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे बात करने वाले हैं आपकी सेकंड लिस्ट कब जारी की जाएगी कितनी सीटें आपकी खाली रही हैं और क्या डिफरेंसन रहा है इस कट ऑफ में और कितने नंबर वाले बच्चों का आ सकता है सेकंड लिस्ट में नंबर इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़ सभी दोस्तों से कहना है आप लाइक करके जाते हो वीडियो को पूरा वॉच भी करते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है बात करते हैं आपकी सेकंड लिस्ट के बारे में तो पहले बता दूं कि अभी फर्स्ट लिस्ट में तेईस हज़ार छः सौ और चौंतीस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बाकी जो आपकी सीटें हैं वो खाली रह गई हैं ठीक है दोस्तों आपकी सेकंड लिस्ट है तो इसी के आधार पर निकाली जाएगी तो सेकंड लिस्ट में आपके कुछ तीन हज़ार के समथिंग वैकेंसियाँ खाली रहती हैं ठीक है ठीके? ये सेकंड लिस्ट में आएंगी बाकी ये अब दोनों लिस्ट निकलने के बाद में आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी उसके बाद में ठीक है उसके बाद में जब बच्चे कुछ फीस जमा नहीं करा पाते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं तब आपकी थर्ड या फोर्थ लिस्ट निकाली जाती है पहले ये बाकी तीन हज़ार सीटों को भरा जाएगा उसके बाद में ऑल ऑफ ओवर निकाला जाएगा कि सीटें कितने खाली रही हैं ठीक है दोस्तों तो इसके आधार पर तो आपकी सीटें निकाल जाएंगी ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा मैं इसे ऐसा करता हूँ ठीक है बात करें आपकी सेकंड लिस्ट कब जारी होगी तो सेकंड लिस्ट में जो फर्स्ट लिस्ट वाले हैं इनका शेड्यूल है वो आपके चौबीस जनवरी तक चलेगा चौबीस जनवरी के बाद में इसका इनका शेड्यूल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में आपकी फर्स्ट सेकंड सेकेंड लिस्ट है वो मैं नहीं बोलता कि छब्बीस जनवरी को कि सत्ताईस जनवरी को जारी कर दी जाएगी हमारे अकॉर्डिंग फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी और बता दूं आपको कि कितने नंबर वालों का होगा सिलेक्शन सेकेंड लिस्ट में तो सेकेंड लिस्ट में अगर बच्चों ने मैं बता दूं कि जिनके तीन सौ पचास प्लस नंबर आ रहे हैं इसमें भी वो होने वाला है आपके साथ जो फर्स्ट लिस्ट में हुआ है ठीक है लेकिन जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन भी होगा इसमें ठीक है दोस्तों तो कुछ बच्चे का क्या है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा है फर्स्ट लिस्ट में क्या है कि मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके दो सौ नब्बे नंबर हैं और उनका सिलेक्शन हो गया और, और जिनके चार सौ चार सौ बीस नंबर हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ऐसे मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ इसमें बताने कोई आपका ऐसी आवश्यकता आप नहीं है बट आपको ये चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपके 300 प्लस नंबर आ रहे हैं और आपने अच्छी कॉलेज भरी हैं तो आपका 100 परसेंट नंबर आ जाएगा सेकंड लिस्ट में ठीक है दोस्तों तो आपके जितना मैं जानकारी देना चाहता था वो सब डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो गए हैं और भी आपका कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाएँ हमसे वहाँ पे हमको डायरेक्टली मैसेज करके आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हो काफ़ी बच्चे हमसे को मैसेज करते हैं उनको हम उचित सलाह देते हैं ठीक है दोस्तों तब तो तक के लिए जय हिंद जय भारत मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया रहें ठीक है दोस्तों धन्यवाद